दोस्तों, अब कर्नाटका का नाटक खत्म हो चुका है। सिद्धारमैया होंगे अब अगले सीएम और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे और 20 मई को लेंगे ये शपथ। दोस्तों, कर्नाटका में नए मुख्यमंत्री को लेकर चल रहा कांग्रेस का नाटक अब खत्म हो गया है और सिद्धारमैया के नाम पर अधिकारी मुहर भी लग चुकी है और पार्टी ने इसकी घोषणा भी कर दी है। दोस्तों, गुरुवार दोपहर कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिवकुमार अगले उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव तक कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहेंगे, जो कि 2024 में होने वाला है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डीके शिवकुमार संसदीय चुनाव के आखिर तक पीसीसी अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रियों का एक समूह भी उस दिन शपथ लेगा। वेणुगोपाल ने आगे कहते हुए कहा कि सभी से चर्चा करने के बाद ही कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लिया है कि सिद्धारमैया जी को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और डीके शिवकुमार कर्नाटक के इकलौते उप मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हम कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के लोगों को भी आमंत्रित करेंगे। दोस्तों, जैसे लोगों के मन में सवाल था कि ढाई ढाई साल का ये सत्ता शेयरिंग होगा, लेकिन वेणुगोपाल ने ये भी क्लियर कर दिया है कि 5 साल के सिद्धारमैया 5 साल तक ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दोस्तों, जो कर्नाटक के डिप्टी सीएम बनेंगे डीके शिवकुमार ने घोषणा के तुरंत बाद ट्वीट किया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नमित मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की। शिवकुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कर्नाटक का सुरक्षित भविष्य और हमारे लोगों का कल्याण हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हम इसकी गारंटी देने के लिए एकजुट हैं। दोस्तों, जैसे पिछले कुछ दिनों से सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने सारे कांग्रेसी नेता के सामने अपना अपना पक्ष भी रखा और जो कि रणदीप सुरजेवाला है, उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला अगले 48 से 72 घंटे में होगा। अभी सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बारे में ही फैसला लिया गया है और उन्होंने आगे ये भी कहा कि मंत्रिमंडल में सब जितनी भी बातें हुई है, जितने भी कांग्रेस नेता की बातें हुई है, तो 5 साल तक सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो ऐसे फर्जी खबरों से आप बच के रहें, जिसमें यह है कि शेयरिंग वाला होगा या फिर कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल के लिए ही हमने अपना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुना है। दोस्तों, ये तो आगे वाले समय में ही पता चलेगा कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का ये फैसला लिया है ये सही है कि नहीं। अगले 5 साल कांग्रेस को ही काम करना है, तो देखते हैं आगे के टाइम में क्या होगा। दोस्तों, आपका जो क्या कहना है कि इन दोनों का जो फैसला लिया है कांग्रेस पार्टी ने, वो सही है कि नहीं, हमें कमेंट में अपना आंसर ज़रूर दें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।